जस्ट इमेजिन देयर इज वन नॉर्मल वीकडे मॉर्निंग जहां पे आप उठे एंड आप अपने काम पे जाने के लिए रेडी हो रहे हो. सिमिलरली आपके बच्चे या फिर सारे बच्चे अपने स्कूल में जाने के लिए रेडी हो रहे हैं एंड देयर इज नथिंग स्पेशल इन दिस पर्टिकुलर डे. कोई बैंक हॉलीडे का डे नहीं है, कोई त्योहार नहीं है, सब कुछ चालू है एंड आप अपने डाइनिंग टेबल पे बैठे हो एंड ब्रेकफास्ट कर रहे हो. एंड आपकी आदत है कि आप डाइनिंग टेबल पे बैठे बैठे मार्केट को चेकआउट करते हो एंड न्यूज देखते हो. सो आपने अपना फोन उठाया एंड फोन में अपने अपना ब्रोकर को ऐप को खोला एंड यू सी दैट मार्केट में कोई तरह की फ्लक्चुएशंस नहीं हो रही है, कोई तरह की हलचल नहीं हो रही है. यू आर थिंकिंग कि आज कोई हॉलीडे है या फिर आज कुछ स्पेशल है दिन में कि क्यों मार्केट क्यों आज बंद है. एंड यू ओपन अ न्यूज़ चैनल टीवी चालू करके एंड यू गेट टू नो इन द न्यूज़ दैट आज मार्केट बंद है. All of sudden, the market is closed today and market is shut down today. इस particular scenario में आपका क्या reaction रहेगा मुझे आप comment section में जरूर बताना. But in this particular episode, we are gonna discuss कि अगर market कल उठ के बंद हो जाता है all of sudden, अगर कल उठ के market shut down हो जाता है without any prior notification, तो इसका क्या impact होगा हमारी Indian economy पे, इसका क्या impact होगा हमारे देश की बड़ी बड़ी listed and unlisted companies पे, ऑल्सो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स FII, DIIs एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे एंड ऑल्सो हमारे आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा. प्लस जो ट्रेडर्स है जो ट्रेड करते हैं मार्केट में एक या दो या एक हफ्ते या एक महीने के लिए जो ट्रेड लेते हैं जो इन्वेस्टर्स मार्केट में उस पर क्या इम्पैक्ट होगा. प्लस जो डेरिवेटिव्स में काम करते हैं ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में काम करते हैं उस पर क्या इम्पैक्ट होगा. इन सारे सिनेरियोज की बात हम आज के इस एपिसोड में करेंगे. Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And first of all, let us discuss कि क्यों मार्केट, क्यों किसी भी इकोनॉमी का स्टॉक मार्केट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी देश के लिए. एंड स्टॉक मार्केट विदाउट एनी प्रायर नोटिफिकेशन शटडाउन नहीं होना चाहिए. एंड ऑल्सो वॉट इज द पर्पस, ऐसा कौन सा बहुत ही खास पर्पस है जो कोई भी देश का स्टॉक मार्केट फुलफिल करता है कोई भी देश की इकोनॉमी के लिए. एंड द मेजर पर्पस जो सॉल्व करता है स्टॉक मार्केट किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए वो ये हो जाता है कि स्टॉक मार्केट के थ्रू आप किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स बाय या सेल कर सकते हो. नाउ द थिंग इज हमें एज एन इन्वेस्टर पूरा भरोसा होता है स्टॉक मार्केट पे कि जब हम चाहे स्टॉक मार्केट से कोई भी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स बाय कर सकते हैं अगर उस कंपनी में सफिशियंट बायर है तो. एंड आने वाले फ्यूचर में जब हम स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो हमें पूरा भरोसा होता है कि आने वाले फ्यूचर में आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 50 ईयर्स, आफ्टर 100 ईयर्स हमें भरोसा होता है कि स्टॉक मार्केट ओपन रहेगा एंड हमारे शेयर्स हम लिक्विडेट कर सकेंगे. सो दिस इज द मेजर पर्पस विच इज स्टॉक मार्केट इज लाइक फुलफिलिंग. एंड ये पर्पस को फुलफिल करना विदाउट एनी मिस और इंटरप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सारी इकोनॉमी के लिए. एंड दैट इज वाई स्टॉक मार्केट बंद नहीं हो सकता विदाउट एनी प्रायर नोटिफिकेशन. इसका एग्जाम्पल एक ये भी है कि जब लॉकडाउन पड़ा हुआ था मार्च 2020 में जब सारी चीजें बंद थी बट स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह थी, स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज थी जो लॉकडाउन के पहले भी 9 to 4 काम कर रही थी एंड लॉकडाउन में भी 9 to 4 विदाउट एनी मिस काम कर रही थी, चालू था स्टॉक मार्केट. एंड इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि स्टॉक मार्केट को किसी भी इकोनॉमी के स्टॉक मार्केट को विदाउट एनी इंटरप्शन और विदाउट एनी प्रॉब्लम चालू रहने देना, कंटिन्यू रहने देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो हम डिस्कस करेंगे आगे क्यू इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड ओनली. नाउ अगर हम इकोनॉमी की बात कर ही रहे तो लेट अस डिस्कस के अगर स्टॉक मार्केट ऑल ऑफ सडन विदाउट एनी प्रायर नोटिफिकेशन बंद हो जाता है तो क्या हो सकता है हमारी इकोनॉमी के साथ. तो अगर स्टॉक मार्केट ऑल ऑफ सडन बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है विदाउट एनी प्रायर नोटिफिकेशन तो इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट एक्चुअली हो सकता है. एंड कैसे, दैट इज लाइक के जो इंडियन इकोनॉमी है उस पे जो इन्वेस्टर्स है बिग और स्मॉल उनका जो भरोसा है वो ब्रेक हो सकता है बिकॉज ऐसे ऑल ऑफ सडन मार्केट बंद होने से जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने ये भरोसे के साथ इन्वेस्ट किया था कि कभी भी आने वाले फ्यूचर में मैं अपने शेयर्स को बेच लूंगा और अपने पैसों को लिक्विडेट कर पाऊंगा. नाउ अगर ये भरोसा ब्रेक होता है तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं FII से DII से वो मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे. एंड इसके कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा हो सकते हैं गाइस, जहां पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है इंडिया की जहां पे सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया है इन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा FIIs DIIs के द्वारा वो अपने शेयर्स को लिक्विडेट करने के लिए प्राइमरी मार्केट में भागेंगे बिकॉज नाउ द थिंग इज दे कांट सेल देयर शेयर्स ऑन सेकेंडरी मार्केट जिसे हम स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं. एंड इसकी वजह से बहुत ज्यादा सप्लाई क्रिएट हो जाएगी, सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो जाएगा इन सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर्स पे. एंड आई डोंट थिंक सो कि सेकेंडरी मार्केट जो स्टॉक मार्केट होता है उससे ज्यादा बायर्स क्रिएट हो पाएगी प्राइमरी मार्केट में. एंड इस पर्टिकुलर चीज की वजह से जो उनके शेयर्स है वो
फ्रीज हो जाएंगे, वो अपने शेयर्स को जो पर्टिकुलर प्राइस है, जो प्राइस पे उन्हें सेल करना है, वो प्राइस पे सेल नहीं कर पाएंगे। और इतनी ज़्यादा सप्लाई क्रिएट होने की वजह से जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज है उनका जो स्टॉक प्राइस है, उनकी जो वैल्यूएशन है, वो भी ड्रास्टिकली गिर सकती है नीचे, एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है इंडिया का। प्लस जो नया पैसा आने वाला था मार्केट में वो भी काफ़ी हद तक स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज ऑल नो के जो सेकेंडरी मार्केट है वो बंद हो चुका है, शट डाउन हो चुका है। एंड अगर मार्केट में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो प्राइमरी मार्केट में डायरेक्ट कंपनी के पास जाके या फिर जो इन्वेस्टर्स के पास ऑलरेडी उस कंपनी के शेयर्स है उनके पास जाके वो शेयर्स या हिस्सेदारी बाय कर सकते हैं हम। सो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हद तक जो बड़ा पैसा आता था इंडिया में फॉरेन से या फिर इंडिया से ही मार्केट में जो जाता था पैसा वो काफ़ी हद तक स्टॉप हो सकता है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है इंडियन रूपी पे। बिकॉज जब बड़े बड़े FIIs मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो डॉलर्स लेके आते हैं और उस डॉलर्स को पहले कन्वर्ट करते हैं इंडिया में रूपी में, एंड देन वो रुपया मार्केट में इन्वेस्ट होता था। बिकॉज जब FIIs इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में तो वो या तो डॉलर्स में लाते हैं पैसा या फिर कोई अदर करेंसी में लाते हैं, जिस देश के लाइक FIIs हो गए वो देश की करेंसी आती थी इंडिया में और वो करेंसी को कन्वर्ट किया जाता था रूपी में, एंड देन वो रूपीज इन्वेस्ट होता था इंडियन स्टॉक मार्केट में या फिर कहीं भी इंडिया में। सो अगर स्टॉक मार्केट बंद हो जाता है तो काफी हद तक ये जो बाहर का पैसा आ रहा था मार्केट में वो स्टॉप हो सकता है, और इसकी वजह से जो रुपये की डिमांड थी, बिकॉज जो बाहर के देश से करेंसी आ रही थी वो करेंसी को कन्वर्ट किया जाता था रुपी में, तो इसकी वजह से रुपया की डिमांड बढ़ती थी, रुपी की डिमांड बढ़ती थी। सो ये जो डिमांड बढ़ती थी उसकी वजह से रुपया स्टेबल हो सकता था, बट नाउ द थिंग इज इसका टोटल ऑपोजिट हो रहा है एंड सब लोग अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, एंड शेयर्स को बेचने की वजह से उनके पास रुपी आ रहा है जो सप्लाई क्रिएट कर रहा है रुपी की, एंड इस रुपी को कन्वर्ट किया जा रहा है अलग अलग करेंसी में, बिकॉज वो पैसा उन सारे इन्वेस्टर्स को उन सारे FIIs को इंडिया के बाहर भी ले जाना है जहां पे वो पैसा वो अपने देश में स्पेंड कर सके। एंड दैट इज वाई हमारी करेंसी में भी बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने मिल सकती है, जहां पे बाहर से जो पैसा आ रहा था और कन्वर्ट हो रहा था, जो रुपये की डिमांड को बढ़ा रहा था, वो स्टॉप हो सकता है, एंड साथ में जो प्राइमरी मार्केट में FIIs अपने शेयर्स को लिक्विडेट कर रहे हैं एंड रुपया उनके पास आ रहा है वो रुपये को उनको अपने देश में ले जाने के लिए कन्वर्ट करना पड़ रहा है। सो ये जो सप्लाई एंड डिमांड का जो फ्लक्चुएशन है इसकी वजह से जो रुपया है वो अनस्टेबल हो सकता है और रुपये में बहुत ज्यादा बड़ी फ्लक्चुएशंस देखने मिल सकती है। और इसका इफेक्ट ये भी हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग गोल्ड बाय करने लगे, ज्यादा से ज्यादा लोग रियल एस्टेट और लैंड बाय करने लगे, और जो पैसा स्टॉक मार्केट में जाने वाला था वो पैसा इन सारे एसेट्स में जाने लगे, और इसकी वजह से इन सारे एसेट्स की, गोल्ड, बॉन्ड, रियल एस्टेट की जो डिमांड है वो बढ़ने लगे और इन सारी चीजों का प्राइस एक्सपोनेंशियली ग्रो होने लगे। ऑल्सो ये गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स है जो स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनीज में किए गए, एंड अगर सेकेंडरी मार्केट बंद हो जाता है तो गवर्नमेंट भी अपने शेयर्स को लिक्विडेट नहीं कर पाएगी, एंड एज वी ऑल नो गवर्नमेंट राइट नाउ जो अपनी डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान चालू है गवर्नमेंट का, सो अगर कल उठ के स्टॉक मार्केट बंद हो जाता है तो ये डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान तो भूल ही जाओ, गवर्नमेंट को भूलना ही पड़ेगा। सो ये तो हो गई इकोनॉमी की बात, एंड आप भी मुझे बता सकते हो अगर कोई चीज में मिस आउट कर रहा हो तो, बिकॉज मैं भी मेरी इमेजिनेशन के साथ ही ये बातें कर रहा हूं कि क्या हो सकता है। अगर आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज आती है कि ये भी चीज हो सकती है अगर कल उठ के स्टॉक मार्केट बंद हो जाता है, तो वो भी मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन में, इट वुड बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। एंड मूविंग अहेड लेट अस डिस्कस अबाउट कंपनीज के कंपनीज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सो एज वी डिस्कस्ड के कंपनीज की जो वैल्यूएशन है वो ड्रास्टिकली नीचे आ सकती है, बिकॉज जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने इन्वेस्ट किया था इन सारी कंपनीज में सेकेंडरी मार्केट में, कि उनको पता था कि यही सेकेंडरी मार्केट में आने वाले फ्यूचर में 10, 15, 20, 30 ईयर्स के बाद भी मैं अपने शेयर्स को लिक्विडेट कर पाऊंगा और अपने पैसों को फिर से रिकवर कर पाऊंगा प्रॉफिट में या फिर लॉस में। बट द थिंग इज बिकॉज स्टॉक मार्केट बंद हो गया है, सेकेंडरी मार्केट बंद हो गया है, तो बिग इन्वेस्टर्स लाइक FIIs, DIIs एंड ऑल्सो स्मॉल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक मी एंड यू अपने शेयर्स को लिक्विडेट करने के लिए बायस होने लगेंगे प्राइमरी मार्केट में। जहां पे प्राइमरी मार्केट में लेट्स अज्यूम कि आपको शेयर्स चाहिए टाटा कंज्यूमर के और मेरे पास शेयर्स पड़े हैं टाटा कंज्यूमर के, तो मैं आपको ढूंढूंगा कि कहां है जो वो बायर जिसको टाटा कंज्यूमर के शेयर्स इस पर्टिकुलर प्राइस पे चाहिए, एंड अगर हमारी मुलाकात होती है तो देन आई कैन ट्रांसफर माय शेयर्स टू यू एंड यू कैन गिव मी मनी। एंड इसकी वजह से प्राइमरी मार्केट में इतने सारे बायर्स को ढूंढना अलग अलग कंपनीज के वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एंड केओटिक हो सकता है, एंड इसकी वजह से ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके शेयर प्राइस और उनकी वैल्यूएशन में ड्रास्टिक गिरावट आ सकती है। अनदर बैड थिंग विच कैन हैपन विद कंपनीज इज जो कंपनीज को पैसों की रिक्वायरमेंट है और वो पैसों की रिक्वायरमेंट वो सारी कंपनीज IPOs लाके एंड सेकेंडरी मार्केट में अपने शेयर्स को लिस्ट करके फुलफिल करना चाहती है वो नहीं हो पाएगा, एंड दैट इज वाई
उन सारी कंपनीज को पैसों को रेस करने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। बिकॉज जब मार्केट में कंपनीज लिस्ट होती है तो उसके दो रीजंस होते हैं। द फर्स्ट वन इज उन सारी कंपनीज को पैसों की रिक्वायरमेंट है आने वाले फ्यूचर में अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। एंड द सेकंड रीजन इज जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन्वेस्टर है उस पर्टिकुलर कंपनी में, उनको अपने शेयर्स को बेच के पैसों की रिक्वायरमेंट है। तो ये दोनों चीजें नहीं हो पाएगी अगर सेकेंडरी मार्केट क्लोज है, अगर स्टॉक मार्केट शट डाउन पड़ा हुआ है। तो नाउ लेट अस डिस्कस के जो इन्वेस्टर्स है उन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर कल उठ के स्टॉक मार्केट बंद हो जाता है। तो बड़े इन्वेस्टर्स, FII, DIIs, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे भी एंड ऑल्सो हमारे आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स पे भी। एंड जो इन्वेस्टर्स है उनके पास जो ऑलरेडी शेयर्स पड़े हुए हैं वो शेयर्स को लिक्विडेट करने के लिए, वो शेयर्स को बेचने के लिए उन सारे इन्वेस्टर्स को थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बिकॉज एज वी ऑल नो सेकेंडरी मार्केट बंद पड़ा हुआ है। तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, जो जिनके पास बहुत बड़े बड़े स्टेक पड़े हैं किसी कंपनी के, अगर उनको स्टेक को सेल करना है तो दे हैव टू फाइंड बायर जो प्राइमरी मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट में होगा, और उनको देखना पड़ेगा, उनको बायर ढूंढना पड़ेगा कि कौन से बायर के पास इतना ज्यादा पैसा है और उनको वो पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स चाहिए, तो मैं अपने शेयर्स को उनको देके एक पर्टिकुलर अमाउंट पे वो शेयर्स को बेच के मैं अपने पैसों को लिक्विडेट कर लूं, मैं अपने शेयर्स को लिक्विडेट कर लूं। तो ये जो केओस है वो हो सकता है। एंड मे बी जो हमें स्कैम 1992 में दिखाया था कि एक रिंग होती है और वहां पे सारे इन्वेस्टर्स इकट्ठा होते हैं और बाइंग एंड सेलिंग होती है उन सारे शेयर्स की, तो उस तरीके से शायद से ऐसा माहौल क्रिएट हो सकता है कि एक पर्टिकुलर जगह को डिसाइड किया गया है और वहां पे सारे इन्वेस्टर्स आते हैं जिनके पास अपने अपने शेयर्स है, एंड वो दिखाते हैं कि मेरे पास ये शेयर्स है, एंड सामने कोई बायर मिलेगा जिनको ये शेयर खरीदने होंगे, एंड ऐसे शायद से ट्रांजेक्शन हो सकते हैं स्टॉक मार्केट में। द थिंग इज स्टॉक मार्केट बंद नहीं हो सकता बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी बायर एंड सेलर। बट द थिंग इज अगर स्टॉक मार्केट बंद हो गया है तो दे हैव टू फाइंड अनदर वे जिससे वो अपने शेयर्स को बाई या सेल कर सके। बट यस, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि अगर स्टॉक मार्केट विदाउट एनी प्रायर नोटिफिकेशन ऑल ऑफ सडन बंद हो जाता है तो बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी या छोटी कंपनीज के जो शेयर्स है उनमें ड्रास्टिक गिरावट आ सकती है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है स्टॉक मार्केट में, एंड अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आपको लॉस में शायद से पैसा निकालना पड़ सकता है, एंड वो भी तब जाके आप अपने पैसों को निकाल सकोगे जब आपको प्राइमरी मार्केट में कोई बायर मिलता है। तो नाउ द थिंग इज फॉर ट्रेडर्स, एंड ट्रेडर्स के लिए बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। बिकॉज लेट्स अज्यूम के आज किसी ने शेयर बाय किया एंड कल उसको शेयर सेल करना है एंड द मार्केट इज ऑल ऑफ सडन शट डाउन, तो वो अपने शेयर्स को सेल नहीं कर पाएगा, एंड दैट इज वाई उसको अपने शेयर्स को डिलीवरी में लेना पड़ेगा, एंड ही और शी हैव टू फाइंड बायर इन प्राइमरी मार्केट, एंड इसको थोड़ा टाइम लग सकता है, एंड दैट इज वाई उसको अपने शेयर्स को बहुत लंबे समय तक अपने पास रखना पड़ेगा, एंड इस पर्टिकुलर सीनेरियो में उसको लॉस भी हो सकता है। एंड अगर उसको पैसों की जरूरत है तो वो ही और शी जो इन्वेस्टर है जो ट्रेडिंग के लिए वो पर्टिकुलर शेयर को बाय किया था, ही इज नाउ स्टक, एंड उसको अपने पैसों को लिक्विडेट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। एंड लास्टली इन द डेरिवेटिव मार्केट जो ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके हैं मार्केट के शटडाउन होने से पहले एक दिन पहले, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स शायद से जो एक्सपायरी डे है वहां पे एक्सपायर हो गए, एंड जो लॉस या प्रॉफिट रहेगा वो उन सारे इन्वेस्टर्स को उठाना पड़ेगा। एंड इन दिस पर्टिकुलर सीनेरियो बिकॉज स्टॉक मार्केट में क्रैश हुआ होगा तो जो फ्यूचर में जो शॉर्ट सेलर्स रह गए उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, एंड ऑप्शंस में जिसने पुट ऑप्शन को बाय किया है उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, या फिर कॉल ऑप्शन को जिसने शॉर्ट किया है उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। एंड ऑल्सो अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना है एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है तो वो आप ऑफलाइन मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में भी कर सकते हो। बट द थिंग इज यहाँ पे जो मीडिएटर रहेगा वो शायद से कोई बैंक हो सकता है या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ऑर्गेनाइजेशन या फिर एंटिटी हो सकती है। द थिंग इज स्टॉक मार्केट में जो एंटिटी होती है वो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं जैसे कि NSE, BSE, CDSL, NSDL एंड ऑल्सो SEBI। बट द थिंग इज ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में ही फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होते हैं, प्राइमरी मार्केट में भी, ऑफलाइन मार्केट में भी फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो सकते हैं, एंड ये आपको डायरेक्टली बायर एंड सेलर के साथ मिलकर बीच में मीडिएटर को रख के करना पड़ेगा। तो दैट वुड बी द केस अगर स्टॉक मार्केट शट डाउन हो जाता है तो। बट द थिंग इज गाइज, एक दिन भी स्टॉक मार्केट विदाउट एनी प्रायर नोटिफिकेशन ऑल ऑफ सडन बंद हो जाता है या फिर कोई इंटरप्शन आता है, देन इट वुड बी वेरी डिजास्टर फॉर ऑल ऑफ अस एंड फॉर इंडियन इकोनॉमी। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है गाइस। एंड इस एपिसोड से आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि क्यों स्टॉक मार्केट किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग हो जाती है, और स्टॉक मार्केट ऑल ऑफ सडन विदाउट एनी प्रायर नोटिफिकेशन बंद नहीं हो सकता। सो आई होप आपको एपिसोड पसंद आया। एक्चुअली आई वॉज जस्ट लाइंग डाउन ऑन माई बेड
एंड रैंडमली मेरे माइंड में एक थॉट आया कि यार अगर कल उठ के स्टॉक मार्केट बंद हो गया तो क्या हो सकता है, एंड दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस एपिसोड। एंड अगर मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ या फिर आपके माइंड में कुछ है कि अगर स्टॉक मार्केट बंद हो गया तो ये भी चीज हो सकती है, तो लेट मी नो एंड लेट अस एवरीवन नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड दैट वुड बी अ ग्रेट कन्वर्सेशन डाउन देयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो या अगर आपके माइंड में कुछ चीज हो तो कमेंट जरूर करना, एंड प्लीज लाइक भी जरूर कर देना अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो, बिकॉज दिस एपिसोड इज अ बिट डिफरेंट। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। एज ऑलवेज डू लाइक दिस एपिसोड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एज वेल, एंड ऑल्सो डिस्कॉर्ड सर्वर भी जरूर ज्वाइन कर लेना, द लिंक इज राइट बिलो द लाइक बटन। सो मिलते हैं ऐसे किसी ने एपिसोड में, तब तक लिए गुड बाय।